हेलो दोस्तों, वेलकम टू असिम कैड कैम सॉल्यूशन। आज हम मास्टर कैम का वीडियो नंबर 11 देखेंगे। इसमें ब्लेंड मिल कैसे वर्क करता है वो सीखेंगे हम। ब्लेंड मिल में क्या क्या रिक्वायरमेंट है वो भी देखेंगे। चलिए अभी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम एक प्रोफाइल चैन क्रिएट करेंगे लेवल नंबर 3 में। चैन क्रिएट हो चुका है हमारा, इसका साइज चेक कर लेंगे हम। 33.85 है, 67। इसमें हम 12 का एंड मिल यूज कर सकते हैं, 12 10। ये पहला चैन हो गया हमारा, यहाँ पे इंडिकेट करेगा ये सेकेंड चैन। ओके, हम टूल क्रिएट करेंगे 12 का एंड मिल। टूल क्रिएट हो चुका है हमारा, ये जिगजैगी रखेंगे हम। ये हमारा स्टेप ओवर है, ये एक टूल पाथ के बीच से एक टूल पाथ से लेकर सेकेंड टूल पाथ के बीच का जो डिस्टेंस है वो स्टेप ओवर होता है हमारा। इसको हम 70% मैक्सिमम 75 तक रख सकते हैं, बट 70% यूज कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। यहाँ पे 0.3 स्टॉप रखेंगे, डेप्थ में 0.15। कंपेंसेशन ऑफ रखा है मैंने, डेट तो कट 0.5। डेट डिफाइन करेंगे 5 mm, 1.3 अपसाइड से, 5 mm, 50 mm। अब ओके करते हैं। ये हमारा एक्रॉस चेन है, इसको हम चेंज करेंगे, इसमें हम अलोंग करेंगे। ओके, ये बाय डिफॉल्ट ही यूज करेंगे। हमारा क्रिएट हो चुका है टूल पाथ। इसमें हम कंपेंसेशन ऑन करेंगे, एंड साइड रखेंगे इसमें। ओके, कटर हमारा वॉल के एंड साइड रहेगा, इस वॉल के एंड साइड में, जैसा यहाँ पे शो हो रहा है। ये टूल पाथ के सेंटर का टूल पाथ है। ओके, ऐसा चलेगा। इसमें और कुछ ऐड कर सकते हैं क्या? एंट्री और एग्जिट में हमारा कितना बाहर रखना है वो डिफाइन कर सकते हैं यहाँ पे। इसको 7 mm किया, इसको भी 7 mm किया। ओके, एग्जिट में
12 देखते हैं। ओके इसको हम रन करके चेक करते हैं। हमारा सेकेंड डेप्थ अप कट ले रहा है तो हमारा टूल अप्रॉक्स 50 mm अप सेट जा रहा है, इसको हम कम कर सकते हैं। एक क्लियरेंस पेन ऑन कर देंगे, 50 mm रखेंगे, इसको 6 mm कर देंगे। ओके सॉरी ओके, हमारा बार बार 50 mm अप साइड नहीं जाएगा, 6 mm से ही रिट्रैक्ट लेगा हमारा। ओके इससे कि टाइम सेव होगा हमारा। ये फर्स्ट पॉकेट कंप्लीट हो गया, जस्ट इसको कॉपी करेंगे, इसको पेस्ट, और सेकेंड पॉकेट को प्रोग्राम बनाएंगे। ये फर्स्ट चेन, ये सेकेंड चेन। ओके इसमें हमको डेप्थ डिफाइन करना पड़ेगा, डेप्थ इसका ज्यादा है, 10 mm है। ओके ये कंप्लीट हो चुका है। टोटल एरिया फिनिश हो रहा है। इसी से हम इसी प्रोग्राम को कॉपी करके डेप्थ फिनिश का प्रोग्राम बना सकते हैं। डेप्थ ऑफ कट को हम ऑफ कर देंगे। ओके बाकी हम एज इट इज रखेंगे, और स्टॉक फर्स्ट साइड सपोज ऐड करना है तो 0.5 और हम कर देंगे, 0.1 पर साइड एक्स्ट्रा हो जाएगा, जैसे कि फिनिशिंग करते हुए वक्त हमारा कटर इसमें वाल में टच नहीं होगा। फिनिश हो चुका है हमारा, अब हम वॉल फिनिशिंग पे अभी प्रोग्राम बना देते हैं। वॉल फिनिशिंग के लिए हम कंट्रोल 2D यूज करेंगे। इसके लिए हम बॉटम बॉटम में चैन क्रिएट करेंगे। ओके हो गया, सेम कटर यूज करेंगे वॉल फिनिशिंग के लिए भी। ये कंपेंसेशन इसमें ऑन कर देंगे हम, कंपेंसेशन टाइप वेयर रखेंगे हम, 1.5
mm, 5 mm, minus 5. Okay. सेम इस पॉकेट का फिनिशिंग ऐड कर लेंगे हम. इसमें भी हम डेप्थ ऐड करना पड़ेगा. ओके ओके. अब हम इसका स्टॉक मॉडल क्रिएट कर लेते हैं. ओके, पहले स्टॉक सेटअप डिफाइन कर देते हैं. सेलेक्ट कॉर्नर एरिया, कॉर्नर टू कॉर्नर. ओके, हियर टू हियर. डेप्थ हमारा 20, टोटल थिकनेस. स्टॉक सेटअप हो चुका है, अब स्टॉक मॉडल क्रिएट कर लेंगे हम. इसमें नेम डालना कंपलसरी रहता है. यहाँ स्टॉक डिफाइन कर देंगे हम. हमारा कंप्लीट फिनिश हो चुका है. एक डेप्थ फिनिश कर रहे थे, यहाँ पे हम स्टॉक जीरो रखेंगे. हमारा टोटल फिनिश हो चुका है. आज के लिए इतना ही, बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे. और प्लीज वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करें. थैंक यू.